लाहौर में पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ ने मुल्क भर से आए हुए तमाम रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन का कहना था कि वो रीजन से आने वाले तमाम मंदूबीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि फाटा से कराची तक सबको पाकिस्तान के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना है। पाकिस्तान में मैं ये महसूस करता हूँ कि क्रिकेट एक अमन और दोस्ती का पैगाम है। इनको रीजन मिलने के बाद फाटा के अवाम में एक खुशी की लहर दौड़ी है। आईसीसी के बिग थ्री मामले पर पूछे गए सवाल पर चेयरमैन ने कहा कि पीसीबी के पैट्रन इन चीफ वजीर आजम नवाज शरीफ हैं। इस हवाले से वो उनकी रहनुमाई चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पैट्रन है, तो उनकी रहनुमाई ले, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी फैसले होने हैं ये पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए मैं समझता हूँ बड़े अहम फैसले होने हैं। तो अब भी हम ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनकी हमें एक रहनुमाई मिले, सपोर्ट मिले, और उनके क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को भी हुकूमत की सपोर्ट की जरूरत है। जका अशरफ ने उमर अकमल के वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए इंक्वायरी करवाने की यकीन दहानी भी करवाई। पीसीबी चेयरमैन जका अशरफ का कहना था कि क्रिकेट टीम का कोच मुल्की हो या गैर मुल्की, जो बेहतर होगा उसे ही मुंतखब किया जाएगा।